सुख से जीना है बहुत सस्ता लेकिन सुख से जीना यही सबसे महत्व हो गया है किसी भी आदमी के भाग्य में दुख नहीं है बावजूद इसके हर आदमी दुखी है शरीर का कष्ट होना अलग बात है कोई भी देहधारी शारीरिक कष्ट से बच नहीं सकता भूख प्यास, ठंडी गर्मी रोग व्याधि ये सब शारीरिक कष्ट है और इनसे कोई भी देहधारी बच नहीं सकता है ये भूख प्यास ठंडी गर्मी रोग ब्याज ये दुख के कारण नहीं है दुख का कारण तो मन का गलत सोचना है हर आदमी दुखी साहब ने कहा है कि तनधर दुखिया कांव देखा जो देखा तो दुखिया शरीर धारण करके किसी को मैंने ने सुखी नहीं देखा जिसे देखा दुखी ही देखा क्यों साहब कहते आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महान ने सुना आशा तृष्णा इस दुख के कारण दुनिया में किसी की आशा पूरी नहीं हुई है सारी आशाएँ अधूरी रह गई आशा की ज़रूरत भी नहीं है मेहनत परिश्रम मेहनत परिश्रम से जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बराबर मिलती चली जाएंगी और जीवन निर्वाह के लिए आदमी वैसे दुखी भी नहीं है जीवन निर्वाह तो सबका किसी न किसी प्रकार से हो ही रहा है उसके लिए दुखी नहीं है आदमी दुख का कारण क्या है दुख भोगते हुए भी हम समझ नहीं पाते हैं जितना हमारा मन चंचल रहेगा उतना हम दुखी रहेंगे दुनिया में स्थिरता एक रस्ता चाहना इस दुख का कारण है और हम चाहते हैं कि दुनिया एकरत रहे अपरिवर्तित संभव कहते हैं भंवर जाल में आसन मारा चाहत सुख दुख संग छाड़ा भंवर जाल में आदमी ने आसन जमा लिया है तब उसे दुखी होना ही है नदी का पानी जहाँ गहरा होता है वहाँ पानी में भंवर उड़ते हैं गोल गोल चक्कर काटता है पानी उसको भंवर कहा जाता है और कहीं कहीं बहुत तेज़ी से पानी घूमता है उसमें बड़े बड़े प्राणी भी भी पड़ जाए तो निकल नहीं पाता उसे डूब जाता है तो जब पानी बहुत तेजी से घूम रहा है उसमें कोई स्थिर आसन जमा कर बैठना चाहे और शांत चाहे तो कैसे संभव है बस ये पूरी दुनिया एक भंवर है स्थिर यहाँ कुछ है ही नहीं और हम इसमें स्थिरता चाहते हैं हमारी जवानी स्थिर रहे प्रिय प्राणी पदार्थ स्थिर रहे पद बल शासन स्वामित्व पूज्यता प्रतिष्ठा ये इस सब स्थिर रहे और हमारी ये, ये इच्छा पूरी होती नहीं है बस यही दुख का कारण है यदि सब के सब स्थिर भी हो जाए तो भी हम उससे उब जाएंगे पहली बात तो यह है कि कुछ स्थिर होना है नहीं सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है उसी परिवर्तनशीलता में नए नए प्राणी पदार्थों का सृजन होता रहता है परिवर्तन न हो कुछ भी तो सीजन किसमें होगा तो हम चाहते हैं स्थिरता और स्थिर भी हो जाए यदि तो कुछ दिनों बाद आदमी उब जाएगा क्योंकि एक रास्ता में आदमी को उब होती है कुछ समय के लगता है कि सब जो अनुकूल अनुकूल है सब ये करा सर रहे लेकिन थोड़े दिन में ही आदमी उसे उबेगा परिवर्तन चाहेगा चाहे जिसके लिए शरीर ही एक यदि जवानी आदमी के स्थिर रह जाए तो कुछ दिनों बाद अपनी जवानी से ही उब जाएगा वह लेकिन मोह होता है एक रस्ता का स्थिरता का जब एक रस स्थिर कुछ भी नहीं रहता सब बदलते रहते हैं तो मन की इच्छा पूरी होती नहीं हमारा मन कुछ और चाहता बाहर कुछ और होता है दुख का कारण यही बनता है जो स्थिर नहीं हैं उन सबको अपने अधिकार में रखने की हम चेष्टा करते हैं ये चेष्टा छोड़ दें जो है सो है जो हो रहा है सो हो रहा है उसको सहज स्वीकार करें और वर्तमान में जो करना चाहिए वह करते चलें यही हमारे अधिकार में है तब फिर कोई दुख नहीं होगा सुख आए दुख आए अनुकूलता आए प्रतिकूलता आई मिलन आया विषोह आया वियोग आया ये तो लगा रहता है स्थिर कहाँ है इस संबंध के लिए वो कहानी कही जाती है एक कुछ भी नहीं रहेगा यह भी नहीं रहेगा एक सज्जन बड़े संपन्नत थे धन धान परिवार आदि से समय बदला परिवार के अनेक लोग पत्नी बच्चे कहीं के शरीर छूट गया संपन्नता नहीं रह गई विपन्नता आ गई बड़ा मकान था एक छोड़ करके उसे एक छोटे मकान में जाना पड़ा वहाँ रहना पड़ा जहाँ कोई सुविधा नहीं थी परिवार में भी बस थोड़े लोग ही रह गए एक दो कई वर्ष के बाद उनका एक मित्र मिलने आया उन्हें पता चला पूछते पूछते गया देखा मकान देखने से दे पता चल रहा था विपन्नता है बातचीत होने लगी तो कहा मित्र जी आप तो बहुत दुखी होंगे पहले ऐसा था वैसा था अब नहीं रह गया तो बहुत दुखी होंगे तो उसने कहा कि मैंने अपनी चारों तरफ पहरेदार बैठा रखा है और वो पहरेदार दुख को मेरे पास आने नहीं देते इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ मैं तो सुखी हूँ उसने कहा कि आज तक तो मैं सुना नहीं था कि ऐसा कोई पहरादार है जो है जो दुख को किसी के पास आना ना दे पहरेदार किसी आदमी को तो ना आने दे कुत्ता बिल्ली जानवर को ना आने दे लेकिन दुख कोई ऐसा मूर्त चीज तो है नहीं इसको रोक दें या हम कहीं फाटक बंद करके बैठ जाए और सोचिए कि अब फाटक बंद करके बैठ गए हैं दुख यहाँ घुस नहीं सकता है तो के मित्र का आश्चर्य हुआ कि पहरेदार दुख आने नहीं देते तो दिखा कहा कि यहाँ तो कोई पहरेदार है भी नहीं सब सुनसान आप अकेले बैठे हैं कहा है आपके पहरेदार तो कहा दिखाया दीवार में चारों तरफ कि देखिए दीवार पर तो चारों तरफ दीवार में यही लिखा था यह भी नहीं रहेगा इसका मतलब यही है तो उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं कि ये भी नहीं रहेगा ये ये पहेदार कैसे हो सकता है इसका भाव क्या है तो उन्होंने कहा कि जब संपन्नता नहीं रही तो विपन्नता भी नहीं रहेगी फिर संपन्नता आ सकती है अनुकूलता नहीं रही तो प्रतिकूलता भी नहीं रहेगी दुख नहीं रहेगा सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा तो जीवन है उतार चढ़ाव लगा रहा है लगा रहेगा इस उतार चढ़ाव संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता वो तो कैसे रोका जा सकता है क्या ये सब बने रहेंगे हमें सोचना है कि हमें क्या काम करना है हमारे लिए हमारा क्या कर्तव्य है संगीत साथी है व्यवहार का काम है वो भी जरूरी है संगीत साथी है उनकी भी सेवा करनी पड़ती है मिलजुल कर रहना पड़ता है व्यवहार का काम है वो भी करना पड़ता है लेकिन व्यवहार का काम सहज जितना हो हो जाए बस उसको पूरा कौन कर सका है दुनिया का काम दुनिया की व्यवस्था आज तक कौन पूरा कर सका है सब कुछ व्यवस्थित हो जाए यह संभव कहां है जितना बन जाए सहज वो सब हम करते चले और फिर बाकी दुनिया तो अधूरी रही है अधूरी रहेगी संगीत साथियों में जो अनुकूल है प्रतिकूल हो जाएंगे प्रतिकूल है अनुकूल हो जाएंगे जिनका वियोग हो चुका है फिर संयोग हो सकता है संयोग है वियोग हो सकता है हमें अपने लिए क्या करना है यह सोचना है और जिस लोग कहा गया है रघुपते उत्तर कोशला यदुपति कागतो मथुरापुरी इति विचिंत मना स्थिर न दिदम जगदत्व धारिये रघुपति रामचंद्र की अयोध्या का ऐश्वर्य कहाँ गया जब वो रहे होंगे तब कितनी गहमागहमी कितना ऐश्वर्य रहा होगा अब आज खोजें अयोध्या में कुछ भी नहीं मिलने वाला है मथुरा में कृष्ण का ऐश्वर्य उस समय कितनी चहल पहल रही होगी कितनी रौनकता यादों को थान फिर पताना हो सब कुछ आज कहाँ रह गया न मथुरा में न रहा न द्वारका में रहा मथुरा तो उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ा संत के कारण द्वारका बसाए अंत में धीरे धीरे द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई तो जब उनका ऐश्वर्य नहीं रहा तो किसका ऐश्वर्य रहेगा इति विचिन मना कुर स्थिरम इस पर विचार करो और मन को स्थिर करके मन को शांत करके सोचो कि हमें अपने लिए क्या करना है क्या करना चाहिए इसका मतलब यहाँ यह नहीं कहा गया है कि काम करना बंद कर दो या सेवा करना बंद कर दो योजना बनाना बंद कर दो योजना बनाना पड़ता है काम करना पड़ता है सेवा करना पड़ता है ये सब व्यवहार है और इसको छोड़ा नहीं जा सकता जब तक जीवन है तब तो तक ये व्यवहार लगा ही रहेगा लेकिन हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है यह देखना है हमारा मुख्य कर्तव्य है हर स्थिति में अपने आप को शांत रखना मन को निर्विकार बना करके रखना जो हम कल्याण मुक्ति की बात कहते हैं तो ठीक है भाई कल्याण चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति लेने के लिए हम साधु मार्ग में आए हैं तो, तो अंतिम है लेकिन वो मिले कहते हैं रास्ता तो वही है मन को निर्मल निर्विकार बना करके रखना क्योंकि जो मन का विकार है वही बंधन और दुःख का कारण है मन के विकारों को छोड़कर हमारे दुख और बंधन के कारण और क्या है अथाधानी के कारण थोड़े थोड़े में हमारा मन विकारी बनता रहता है कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़ गए कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़ गए जीवन में कुछ घटनाएं घट गई या और वासनाएं, संस्कार उभर गए बस तो मन विकारी बना गया लेकिन हमारा मन विकारी बना हुआ है मन के विकार कट नहीं रहे हैं क्या इसके लिए हमको कभी चिंता होती है यदि चिंता नहीं होती तो विकारों को काटने का काम हम करेंगे भी कैसे धर्म भक्ति सत्संग स्वाध्याय साधना ये सब हैं किस लिए सब केवल मन के विकार को काटने के लिए मन को निर्मल बनाने के लिए मन यदि विकारों में डूबा हुआ है तो दुनिया का कोई भी ऐश्वर्य या कोई भी भोग हमें सुख दे नहीं सकता है दुनिया के भोग ऐश्वर्य केवल इंद्रियों को तेजित करने वाले हैं और इंद्रियों को तेजना विकार का कारण है इंद्रियों को तेज की तेजना में हम सुख मान लेते हैं भोगों में डूब पड़ते हैं और मन विकारी होता चला जाता है चिंता तो होती है कि ऐश्वर्य हमारा बढ़े भोग मिलते जाएं। लेकिन ये चिंता नहीं होती है कि हमारा मन निर्विकार निर्मल स्वस्थ कैसे बने जिसका मन निर्मल निर्विकार स्वस्थ है उसे न कोई परिस्थिति दुखी कर सकती है न कोई आदमी दुखी कर सकता है दुख से बचना है तब यही करना है उनको अपने मन को निर्विकार बनाने में जुट जाना और ये संभव है इसमें बाहरी कोई प्रवस्था भी नहीं है अमुक परिस्थिति में बाधक है ऐसा भी नहीं है कहीं किसी परिस्थिति में रह करके हम ये काम कर सकते हैं हाँ इस, इस पर निरंतर चिंतन मनन विचार की आवश्यकता है इसलिए सदूर कबीर ने कहा कि कर विचार विकार परिहर तरन तारण स्वय विचार करके जिन्होंने विकारों का प्रत्याग किया हम विचार कहाँ करते हैं जीवन के जितने अवसर बीत गए उन पर हम विचार करें कि इतने दिन बीत गए मन स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है निर्विकार क्यों नहीं हो रहा है विचार नहीं करते चिंतन नहीं करते इसलिए उसके लिए न ध्यान देते हैं और न परिश्रम करते हैं विचार करें हम अपने ही जीवन की स्थिति पर इतने दिन हो गए आखिर में सुख चाहता हूँ शांति चाहता हूँ कल्याण चाहता हूँ सुख कहाँ हो रही है क्यों ये सब उपलब्ध नहीं हो रहे हैं इसलिए जो कहा जाता है कि बराबर ध्यान चिंतन मनन करें कहकर ओ गुरुजी जी प्राउदारण दिया करते थे कि जैसे कुशल व्यापारी रोज रात में दुकान बंद करने के बाद अपना हिसाब किताब लगाता रहता क्या कि कितनी बिक्री हुई कितना सामान बाहर से ख़रीदा गया उसमें कितना मुनाफा हुआ और जो इस प्रकार से रोज हिसाब किताब लगाता रहता है उसका व्यापार चलता रह जाता है क्योंकि फिर वो देखता है कि आज के व्यापार में ऐसा घाटा हो गया तो सावधान हो जाता है खोजता है आखिर घाटा हुआ समान इतना सामान बिका भी इसके बाद भी घाटा क्यों हुआ कहाँ गलती हो गई चिंता में करता करता विचार करता है विचार करता, करता है तो पता चल जाता है हाँ कि अमुख कारण से ऐसा घाटा हुआ और सावधान हो जाता है फिर वो काम छोड़ देता है इसलिए तब उसका व्यापार फिर मुनाफे में चलने लग जाता है बस यही काम हम को भी अपने जीवन में करना है लेकिन हम इसके लिए विचारते नहीं सब पर विचारते हैं अपने लिए नहीं विचारते कि धर्म करते भक्ति करते सत्संग करते करते साधना करते संतों से जुड़े हुए इतने दिन बीत गए काम क्रोध लोग मोह राग ये सब क्यों नहीं घट रहे हैं यदि ये माना जाए ये तो स्वाभाविक है घट नहीं सकते तो हम ये देखते हैं कि संयम साधना द्वारा अनेक लोग हैं जिन्होंने इनको घटा लिया है जब वे एक घटा सकते हैं तो हमारा भी घट सकता है विकार तो हम अपने ज्ञान से स्वयं बनाते हैं यदि विकारों का त्याग नहीं किया जा सकता तो साधना करने का आ, साधना करने की कोई उपयोगिता नहीं होती कोई आवश्यकता नहीं होती साधना है ही इसलिए कि विकार घटते जाएं। और घटता भी है जिसके लिए हम ध्यान देंगे वो घट गड़, घटेगा और साहब यहां कहते भी हैं कि कर विचार विकार पर है विचार करके जिन्होंने विकारों का प्रत्याग कर दिया वो तरन हो गया भौसागर से तर गया औतः तो हमारे मन के जो विकार हैं बहुत यही है हम रात्रि इसी में तो डूब रहे हैं बाहर कहाँ डूबते हैं बाहर कहाँ बहुत सागर है जिसको तरना हो जिसमें आदमी डूब रहा मन के विकार ये बहुत सागर है विषयों की जो वासनाएं हैं यही बेतरनी है और जैसे कहा जाता है बैतरनी यदि बहुत गहरी है बहुत बड़ी उसमें तमाम गंदी चीज मुत और तमाम प्रकार के गंदी चीज़ें बहती रहती है उसी में जाकर के जीव डूबता है उसको तरना होता है और लोग पंडित लोग कहते हैं कि बछिया की पूंछ पकड़ करके उसको पार किया जा, जा सकता है तो रूपी जो गाय है उसकी पूंछ पकड़ कर करके वासना की बैतरनी को पार किया जा सकता है तो मन ही भव सागर जो उन्हें विकार कर त्याग कर दे वो तरण हो गया आज भी ऐसे संत हैं जिनका उदाहरण हम लोग अपना जिनका आदर्श हम लोग ले सकते हैं और विकार त्याग विकारों का त्याग हो गया फिर दुख खत्म फिर दुख का का कोई कारण नहीं रह गया जिनके जिन्होंने अपने मन को निर्मल स्वस्थ और निर्विकार बना लिया उनके लिए भी दुनिया यही है जैसे हमारे लिए है वही चांद सूरज वही धरती आकाश वही सूर्योदय सूर्यास्त वैसे इंदर नारी लेकिन वो मस्त शान और हम उसी में उलझे रहते हैं दुनिया उलझन का कारण बनती तो, तो इससे कोई बच नहीं सकता हाँ, प्राणी पदार्थ परिस्थिति उलझन में सहयोगी बन सकते हैं लेकिन मूल कारण नहीं हो मूल कारण तो हमारा अविवेक है जो दुनिया को सोब करके दुनिया पर अधिकार करके हम सुख चाहते हैं जितना हम दुनिया पर अधिकार करना चाहते हैं उसे सुख पाना चाहते हैं उतनी उलझन बढ़ेगी उतना ही मन विकारी होता जाएगा दुख किसी के भाग्य में बदा नहीं है लेकिन दुख हम स्वयं बनाते हैं गलत सोच सोच कर गलत देख देख कर गलत खाकर गलत करके सुख है बहुत सस्ता क्योंकि सुखी होने के लिए बाहरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है जीवन निर्वाह तो आवश्यकता है अशुर में आ गया कि परिश्रम करते रहने से जीवन निर्वाह की सामग्री कम ज्यादा मिलती रहेगी तो उसके लिए आदमी दुखी भी नहीं है सुख के लिए हमको कुछ पाना नहीं है अमुक चीज मिले तब सुख मिलेगा सुख मिलेगा किसी आ सकता नहीं बाहर के सुख के लिए तो बस हमें अपने आप को ही शोधना है और शोधने के लिए भी आवश्यकता नहीं बाहर के लिए साहब ने कहा कि संतो संतोष सुख है रहोत हृदय जुड़ा है संतोष में और संतोष के लिए प्राणी पदार्थ की क्या आवश्यकता है इतना पदार्थ मिल जाए इतने रुपये मिल जाए इतना बड़ा मकान हो जाए ऐसा पद मिल जाए तब संतोष होगा ऐसा तो है नहीं संतोष संतोष करने से होता है सकारात्मक चिंतन से होता है हमें जितना मिला है उतना पर्याप्त है जब जो मिले जब जैसी स्थिति रहे उसको माने कि इतना पर्याप्त है बल्कि ये समझ लें कि ये आवश्यकता से भी ज्यादा है क्योंकि जिस परिस्थिति में रह करके हम अपने को दुखी मार रहे हैं कि हमारा ये घट गया हमारा वो घट गया हमारा वो घट गया ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ हम दुखी मार रहे हैं लेकिन वर्तमान में हमें जितना उपलब्ध है उससे कई गुना कम में दूसरे लोग आराम से जी रहे हैं तो जब उससे कई गुना कम में दूसरे लोग आराम से जी रहे हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते हम ही ढंग से नहीं सोचते हैं देखते हैं कि अमुक हमसे ज्यादा है अमुक हमको ज्यादा है अमुक के पास ज्यादा अमुक के पास ज्यादा है बस तुलना कर करके असंतोष की ज्वाला में हम जलते रहते हैं और पीड़ित होते रहते हैं भौतिक स्थिति में तुलना करने वाला आदमी उसे चाहे जितना मिल जाए कभी सुखी नहीं हो सकता कभी वो शांति से बैठ सकता ही नहीं है इसलिए तुलना न करके जब जितना उपलब्ध हो जैसी स्थिति हो समझें कि पर्याप्त है क्योंकि हमने कहा कि उससे भी बहुत कम स्थिति में विपन्नता में, में लोग आराम से जी रहे हैं तब हम क्यों नहीं जी सकते जहाँ हमने माना कि अमुक के बिना मैं नहीं चल सकता अमुक के बिना में सुखी नहीं हो सकता अमुक के बिना में नहीं जी सकता बस वहां अपने को हम बेच देते हैं गुलाम बना दिया गुलाम आदमी को कभी सुख थोड़े मिलेगा तो संतोष संतोष करने से होता है इतना मिलने पर असंतोष होगा ऐसा कुछ नहीं है पूरी दुनिया की संपत्ति मिल जाए तो भी संतोष नहीं होगा जो है जितना है जैसा है बहुत है पर्याप्त है बस ये मान ले संतोष सजुरी कहते हैं कि तुम संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारा जलता हुआ हृदय शीतल हो जाएगा शांत और संतोष में प्राणी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है इसलिए सुख सस्ता है कि उसके लिए कुछ नहीं चाहिए सुख तो बिना पैसे का है कल्याण बिना पैसे का होता है इतना पैसा होने पर हम कल्याण करेंगे ये अभी हमारी नासमझी पर कहते हैं कि त्याग में कल्याण है सुख में त्याग में सुख है तो हकीकत है ही त्याग में सुख है और त्यागने में हर आदमी स्वतंत्र है सुख से हम जीना नहीं जानते हैं कुछ बोझा ले करके चलना चाहते हैं और बोझा ले करके चलेंगे तो गर्दन टूटेगी शरीर में थकान तो आएगी तो ऐसे तो मन से बोझा ले लेते हैं अपने को जोड़ते चले जाते हैं जोड़ते चले जाते हैं मानते चले गए अपने को कुछ मान लिए बहुत मान लेते हैं अपने को अब मानेंगे तो अपमान का बोध होगा फिर दुख होगा गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि अपने बिल्कुल सबसे अलग कर लो के उदाहरण दिया करते थे जैसे घोड़ा कई बार धूल में लौटता है इधर सुधर उधर सुधर खूब लौटता है तो पूरे शरीर में धूल लग जाता है उसके बाद घोड़ा खड़ा होता है और शरीर को हरा करके झाड़ देता है अपने बालों को रोए करके सारे धूल सारे धूल झड़ जाता है बस ऐसे ही हमें अपने आप को मन से झाड़ देना है तो कुछ पकड़ नहीं रहेगी तो सुखी हो गए हमारा स्वरूप ही सुख स्वरूप है लेकिन उसका बोध नहीं है हमको इसलिए सुख की तलाश हम सदैव बाहर करते हैं और जितना बाहर करते हैं उतना दुखी होते चले जाते हैं अनादिकाल से बहिर्मुख मन और मन को बहिरमुख करने में ही हम आनंद मानते हैं ये बात समझ में आती ही नहीं है कि ये मन की बहिर्मुखता मन की चंचलता दुख का कारण मन को अंतर्मुख कर लेना शांत कर लेना यही सुख का शांति का कल्याण का रास्ता है न तो बात समझ में आती है न मन में बैठती है लोग तो ये भी कहते हैं अरे ये तो जीते जी अपने आप को मार लेना है क्योंकि मन की घुड़ और इंद्रियों की खुजलाहट में हम सुख मानते आए हैं आज तक उसी के संस्कार है शिकायत भी करते हैं कि क्या करें ये दुख है वो दुख है वो दुख है वो दुख है और कोई कह दे भी कि दुख से बचना चाहते हो सचमुच में यदि तो इंद्रियों की घुड़दौड़ में न पड़ो मन को बहिर्मुख न बनाओ शांत होकर चुपचाप बैठो इंद्रियों को संयमित करो तब कहते हैं तो अपने को मार लेना होगा इधर शिकायत करना कि हम बहुत दुखी हैं उधर मन को चंचल बनाए रखना तो कैसे दोनों ऐसा होगा फिर या तो शिकायत करना बंद करें या मन को चंचल बनाना बंद करें मन की चंचलता दुख का कारण इसलिए ने कहा कि हो ये जो चित्त न डोलावे चित्त को चंचल न करे आदमी मन को शांत रख ले चित्त की चंचलता मन की चंचलता को मिटा दे तो आज इसी क्षण विहिष्ट स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो जाए इसलिए कहा जाता है कहा गया है कि चित्त की चंचलता ही नरक है चित्त का बहिर्मुख बने रहना बाहर भटकते रहना यही नरक है और चित्त का बाहर कहीं न भटकना शांत हो जाना तृप्त हो जाना यही स्वर्ग है ये मोक्ष का कारण है और अपने मन को समेटने में बाहर के किस प्राणी पदार्थ की आवश्यकता है जितना बटोरेंगे उतना तो मन भटकेगा तो सुख है बहुत सस्ता लेकिन आज सुख ही महंगा हो गया है इसमें कारण हमारा अविवेक ही है आज कुछ समझ जगी भी है तो समझ एक रह नहीं पाती है वासनाएं उद्रेक करती रहती है मन के प्रवाह में हम बातें चले जाते हैं तो समझ एक रह नहीं सकते जो समझ है जो निश्चय है वो एक हो सत्संग की बातें सुनते हैं ग्रंथ पढ़ते हैं तो निश्चय तो करते हैं कि अब ऐसा ही मैं चलूंगा ऐसा ही सोचूंगा ऐसा ही खाऊंगा ऐसा ही पीऊंगा ऐसा ही करूंगा लेकिन थोड़ी देर पश्चात भूल गए अब फिर उसी प्रवाह में बहने लग गए तो क्षणिक निश्चयता से काम नहीं बनेगा दृढ़ निश्चयता चाहिए निश्चय समझ पुरुषार्थ लक्ष्य इन सबसे जीव बंधन में है चतुर्थी तो विशास साहब साखी कुछ ऐसी है निश्चय समझ पुरुषार्थ से लक्ष्य से जीव बंध जब ये सब सुख जे, जब ये सब निज की तरफ तब नहीं बंध को गंध हम लक्ष्य समझ पुरुषार्थ से निश्चय से जीवन जब ये सब निज की तरफ तब नहीं बंध को गंध लक्ष्य लक्ष्य क्या है जीव का समान लोग लक्ष्य क्या है इंद्रियों के भोग भोगना और फिर वही समझ है समझ क्या है इंद्रियों के भोगों में सुख हैं उसी के लिए पुरुषार्थ है, उसी के लिए निश्चयता है दुनिया के जितने अधिकार में करेंगे इंद्रियों के भोग को जितना भोगेंगे उतना हमारा सुख में उतना हमें सुख मिलता जाएगा बस तो ये लक्ष्य समझ पुरुषार्थ और निश्चय इन चारों के कारण जीव बंधन में पड़ा है जब ये सब निज की तरफ इनको जो बाहर की तरफ है उसको अपनी तरफ कर लें लक्ष्य क्या है आत्मस्थिति आत्मशांत अपने आप को दुखों से छुड़ाना बंधन छुड़ाना ऐसा लक्ष्य बना लें और समझ में इस बात को दृढ़ता से बैठा लें नहीं मुझे यही कह ये बात समझ में आ जाए कि जितना हम भोगों तरफ दौड़ेंगे उतने मन चंचल होगा भोगों से न दौड़ कर अपनी ओर आएंगे उतना मन शांत रहेगा ये बात समझ में आ जाए और फिर इसके लिए पुरुषार्थ करने लग जाए समझ में तो आ जाए लक्ष्य भी है जैसे कि यहाँ से हमें चौक जाना है तो ये चौक चौक तक पहुँचना एक लक्ष्य है समझ होना नहीं भी हाँ, वहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचने में ही आराम रहेगा एक समझ हो फिर पुरुषार्थ हो सम जान तो लिए समझ बात आ भी गई लेकिन हम चलते ही नहीं हैं मेहनतें नहीं करते हैं। तो तक तो पहुँचेंगे ऐसे अब फिर निश्चयता हो और आप चलेंगे तो कहीं कष्ट आएगा कहीं बाधा आएगी कहीं कुछ होगा लेकिन निश्चय चाहे जैसे हो मुझे वहाँ जाना है तब वहाँ हम जा पाएंगे ऐसे लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा आत्मशांत आत्मकल्याण आत्मलिनता मोक्ष उसी को कह लें और समझ में बात बैठ जाए और समझ में बैठे तो दृढ़ता से बैठे और फिर पुरुषार्थ करें और फिर ये हो कि इंद्रियों के भोगों का त्याग किए बिना आप स्थिति नहीं होगी ये निश्चयता हो तब नहीं बंध को गंध तब बंध को गंध भी नहीं रहना है सारे बंधन अपने आप कट गए बस सुखी हो गए तो पाना कहें पकड़ना कुछ थोड़ा है ऐसा होता कि इतना इतना चाहिए इतना इतना चाहिए तब सुखी होंगे तब तो परवस्था थी अब कुछ नहीं चाहिए तब परवस्था कुछ भी नहीं है इसलिए सुख सस्ता सुख अपने हाथ में है हर आदमी के हर जी के हाथ में सुख है करना बस इतना है जो समझ आई है कि संत सदगुरु की शरण में रहकर कर स्वाध्याय साधना करने से ही कल्याण होगा इस समझ को एकरत रख बनाए रखना है और इसके लिए हमको निरंतर पुरुषार्थ करते रहना होगा पुरुषार्थ करते रहेंगे तो धीरे 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 आज नहीं तो कल वहाँ तक पहुँचेंगे बस चलते रहें चलते रहें रुके ना कहें और चलना भी क्या है भीतर से भी चलना है बाहर से चलना है नहीं मन को साफ बना करके रखना है मन की जो समझ हुई है उस समझ को एकड़त बना करके रखना है तो कहीं भटकाव नहीं होगा भटकाव का मूल कारण अविवेक कहीं ना कहीं सुखाध्यास जोर मारता रहता है गहराई से वो गड़ा हुआ है जब तक बाहर का, का जो सुखाध्यास है विषयों में सुख है यह जलमोड़ से उखड़ेगा नहीं तब तक संतोष में आत्मसंयम में सुख है यह बात गहराई से समझ में नहीं आएगी और गहराई में बैठेगी नहीं तो बाहर जो सुख की निश्चयता है उसका त्याग करें ना होगा और आत्मसंयम में आत्मनिर्मलता में मन की निर्मलता में संतोष में सुख है इस बात को मजबूती से पकड़ लें फिर इधर चलते रहें धीरे धीरे तो एक दिन पूर्ण सुख जो ऐसा सुख जिसमें कोई दुख नहीं है उसका अनुभव अपने आप सहज ढंग से हो जाएगा